हेलो गाइस, राम राम। क्या हाल है भाई, कैसे हो आप सारे के सारे? तो गाइस, मैं आया हूँ आज ब्रासकेर में। तो ब्रासकेर में जहाँ आर्मी चीफ थे ना, जो अपने विपिन रावत जी, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तो मैं आज वाली जगह आपको दिखाता हूँ, शमशान घाट वही वाला ब्रासकेर का, जब विपिन रावत जी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो मैं उसी शमशान घाट के अंदर अभी आया हूँ, तो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ गाइस, पूरा शमशान घाट की वीडियो भी दिखाता हूँ मैं आपको अच्छी तरीके से। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, कहाँ विपिन रावत जी का संस्कार हुआ था, कहाँ विपिन रावत जी की बॉडी रखी गई थी, कहाँ क्या हुआ था, तो मैं आपको एक एक चीज़ अभी समझाता हूँ गाइस। तो भाई, बहुत से बंदों ने यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि यहाँ पे रात को भूत वगैरह ऐसी ऐसी अफवाह फैला रखी है बहुत से यूट्यूबरों ने। तो मैं आपको थोड़ा शॉट यहाँ का रात का भी दिखाऊंगा, मैं रात तक इधर रुकूंगा, मैं रात का भी आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत शॉट इधर का। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस, जैसे बहुत से यूट्यूब पे बोल रखा है कि यहाँ पे भूत है, ये है, वो है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको रात का भी यहाँ पे शॉट दिखाऊंगा, ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यार, यहाँ तो रात तक तो गाइस, ये हमारे गार्ड साहब यहाँ के, ये मैं इनकी मदद से अंदर जा रहा हूँ, तो मैं भी दिखाता हूँ। जो सामने आप देख रहे हो, यहाँ पे विपिन और रावत जी की बॉडी सबसे पहले लाके रखी गई थी, विपिन रावत जी और उनकी वाइफ की। तो गाइस, यही वो जगह है जहाँ पे विपिन रावत जी की पहले बॉडी रखी गई थी। तो मैं भी आपको अंदर भी दिखाऊंगा कहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, कहाँ पे उनको अग्नि की गई थी। मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा यहाँ की। शमशान घाट बहुत ही खूबसूरत है, वैसे ये लगता नहीं है कहीं से भी शमशान घाट है, बहुत ही खूबसूरत शमशान घाट है। तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो अभी सामने आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे विपिन रावत जी की बॉडी सबसे पहले रखी गई थी। तो गाइस, ये देख सकते हो आप, अब मैं आपको अंदर की एक एक चीज़ दिखाऊंगा। मैं अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा सीन आपको मैं रात के भी दिखाऊंगा इधर, ठीक है? कि रात को जैसे बंदों ने बोल रखा है इधर ये है, इधर वो है, मैं रात को भी आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा इधर की, ये देख सकते हैं गाइस। तो नज़ारा देखो गाइस इधर का कितना अच्छा है। तो गाइस, ये है वो जगह जहाँ पर विपिन रावत जी को अग्नि दी गई थी। आ जाओ घर साहब। तो गाइस, ये वो जगह है, ये आप देख सकते हो उधर सामने, यही वो जगह है जहाँ पे विपिन रावत जी को अग्नि दी गई थी, इसी वाले उसमें। तो आप देख सकते हो, बहुत रिक्वेस्ट करके मैं अंदर आया हूँ गार्ड साहब से। ये रहे हमारे गार्ड साहब, देखो ये खड़े हैं इधर। भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो तो मैं बना नहीं पाऊँगा, जितना भी है जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो गार्ड साहब की भी नौकरी का सवाल है, कोई आ सकता है, कोई देखेगा कि ये अंदर क्या कर रहा है, ये सो बात। तो मैं आपको जल्दी जल्दी आपको यहाँ का सब कुछ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे पानी वानी है, ये पानी वानी के लिए इधर पानी भी आता है गार्ड साहब इनमें या नहीं आता पानी? चला के दिखाना, चला के दिखाना। ओहो, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे तो ये देखो। तो उधर गार्ड साहब, उधर क्या है पीछे, उधर पीछे क्या है? उधर पेड़ पौधे, जंगल है उधर, है तो वैसे बहुत बड़ा है ये घाट। ये गाइस, यहाँ सामने मोर घूम रहे हैं, सामने कितना कचरा जमा कर रखा गाइस, देखो भाई वालों ने ये इधर अपनी लकड़ी वकड़ी रखी है इधर, देखो सामने पूरे में ये मोर, देखो कितने भाग रहे हैं उधर सामने गाइस, एक तो ये भाग रहा है सामने, एक गेट इसका ये है। और इधर ये पूरी खाली जगह है इधर, और गाइस आप वो जगह देख रहे हो जो उधर इलेक्ट्रिक का है, इलेक्ट्रिक से जलाया जाता है, वो जो सामने आप जगह देख पा रहे हो उधर इलेक्ट्रिक का सिस्टम है, उधर इलेक्ट्रिक से जलाया जाता है। तो गार्ड साहब उधर जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो उधर से मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी जितना मेरे से हुआ मैंने उतना आपको दिखाया ये, ठीक है? अब गार्ड साहब बोल रहे हैं आप जल्दी जल्दी बाहर जाओ, इसलिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, फिर मैं रात में तो थोड़ा दिखा सकते हो ना गार्ड साहब? तो रात में थोड़ा 2-4-5 मिनट के बाद इधर आपको नज़ारा दिखा दूंगा एक बार ही, क्या है क्या नहीं है, ठीक है? अभी तो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर बैठूंगा, इंतज़ार करूँगा
रात तक इधर, रात में 9-10 बजे गाइस मैं आपको दिखाता हूँ इधर का, ठीक है। जैसे बहुत से यूट्यूबरों ने बोल रखा है इधर ये है वो है, तो मैं इधर 9-10 बजे आपको दिखाता हूँ एक बार रात का भी सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है गाइस। अभी तो शाम के बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं गाइस, अभी 6:30 बज रहे हैं, तो मैं रात में आपको एक बार दिखाऊंगा इधर गार्ड साहब से पूछ के मैं दोबारा अंदर आऊँगा, अभी बाहर इंतज़ार करूँगा। तो गाइस मिलते हैं रात को, ठीक है। फाइनली गाइस इतनी देर इंतज़ार करने के बाद रात हो चुकी है, रात के 9:30 बज रहे हैं गाइस। तो गाइस गार्ड साहब अंदर जाने के लिए तो मना कर रहे हैं ज़्यादा, फिर भी मैं थोड़ा अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस ज़्यादा अंदर जाने से गार्ड साहब मना कर रहे हैं क्योंकि अंदर कैमरे लगे हुए हैं, सब रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा अंदर तो जाके नहीं, थोड़ा यहीं से दिखाऊंगा। लाइट वाइट तो ऐसे जल रही है सब, रात के 9:30 बज चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे रात का नज़ारा गाइस ऐसे है, रात में भी बहुत ज़्यादा शांति है, डरने वाली तो जैसे कोई बात ही नहीं है, ठीक है गाइस। ये देखो रात का भी कितना खूबसूरत नज़ारा गाइस, लाइट वाइट पूरे में लाइट वाइट जली हुई है, कहीं कहीं जगह अंधेरा है गाइस, ये तो पूरे में आराम से लाइट वाइट जली हुई है। ये गार्ड साहब के साथ कुत्ते भी रहते हैं। तो आप पूरी रात ड्यूटी करते हो इधर कि नाइट में दूसरे बंदे आते हैं गाइस? हैं, दूसरे बंदे आ जाएंगे नाइट में। तो नाइट में आपके कितने बजे तक है? 10 बजे तक। तो गाइस इनकी जैसे कि आप बोल रहे हैं 10 बजे तक है, ये 10 बजे तक यहाँ रहेंगे, ठीक है गाइस। मैंने भी गाइस बहुत देर तक इंतज़ार कर लिया, मेरे को भी भूख सी लग रही है, थोड़ा घर चलते हैं गाइस, ठीक है। बहुत देर मैं यहाँ पे रुका, यहाँ का रात का नज़ारा देख लो गाइस ऐसा है, लाइट वाइट जली हुई है पूरे में, सब सही है एकदम बढ़िया। तो गाइस बाय, अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, ठीक है डॉक्टर साहब, बाय गाइस।